ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। सहज बैठे हैं, अब क्या करना ये विचार मन में न आने दो। कुछ नहीं करना है, क्योंकि ध्यान के माध्यम से कुछ प्राप्त नहीं करना है। और ना कुछ खोना है, बिना प्रयत्न के ही आसन स्थिर हो जाता है, सांस धीमी चलती है, और प्रयत्न न होने के कारण किसी व्यक्ति का, ध्यान करने वाले व्यक्तित्व का जन्म नहीं होता। इधर ही ध्यान देना है। सावधानी केवल यही रहे कि हम सो न जाए, जिस प्रकार से आकाश में मकान होता है उसी प्रकार से हवा में देह है। हवा अंदर बाहर है, उसी प्रकार से देह मन में है। मन देह के द्वारा सीमित नहीं है। तो जैसे आकाश का आकार नहीं,
लेकिन साकार देह को आधार देता है, वैसे ही मन का कोई आकार नहीं, वो इस साकार देह को आधार दे रहा है। निराकार होने से मन एक है, इस आकार युक्त मन को सत्य मानना, उसमें फंस जाना, यही संसार है। आकार को धारण करना ये संसार नहीं, दर्पण में प्रतिबिंब का पड़ना यह समस्या नहीं, देहात्म भाव से जीवन शुरू होना ये समस्या नहीं। समस्या है जब हम आकार को सत्य मानते हैं, प्रतिबिंब को सत्य मानते हैं, देहात्म भाव को सत्य मानते हैं, जिसको हम सत्य मानते हैं उसी के बारे में विचार मन में आते हैं, दूसरे शब्दों में जिसने मन में प्रवेश किया उसी के बारे में मन में विचार आते हैं। तो मन की स्थिति देह के अंदर नहीं, देह मन में है, और केवल मेरा ही देह नहीं, सभी देह उसी मन में है।
निराकार विषय होवे, जैसे आकाश। और फिर एक दिन पता चलेगा तत्व हमेशा निराकार होता है, और इसीलिए आकार को आधार दे सकता है, लेकिन स्वयं निराकार। अब आपको ना कुछ करना है, ना देखना है, ना कोई विशेष अनुभूतियों की अपेक्षा करनी है। निराकार तत्व निरपेक्ष होता है, अपने आप से मत बोलो। शांति का श्रवण करो। मन से झगड़ा मत करना, समझाओ,
अभी नहीं बाद में।
देह का आकार पूरी तरह से निकल चुका है मन से। आपका अनुभव है अखंड अविकारी अनंत आकाश। यदि मन बोलना बंद नहीं करता तो सांसों के साथ प्रभु का नाम जोड़ दो, और यदि मन शांत है तो बहुत अच्छी बात है।
जितनी सहजता से आकार स्थिर रहे उतनी ही सहजता से हम भी स्थिर हैं। क्योंकि कुछ पाना नहीं है तो प्रयत्न नहीं, कुछ खोना नहीं है तो बचाने की चिंता नहीं, केवल चिन्मय सत्ता मात्र। जैसे देह का आकार निकल गया अपने ज्ञान से, अब अनंत हम हैं, कोई आकार विकार प्रकार नहीं।
जितना प्रयत्न कम होगा उतने हम अपने स्वरूप के पास है। प्रयत्न अन्य की भ्रांति निर्माण कर देता है। रिलैक्स,
जितना प्रयत्न कम रहेगा उतने हम योग्य दिशा में जा रहे हैं। प्रयत्न के साथ व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जब तक प्रयत्न है तब तक के निद्रा प्रारंभ नहीं होती। जब प्रयत्न भी समाप्त हो जाते हैं तो निद्रा प्रारंभ। वही सिद्धांत ध्यान में है। और ध्यान कभी भी असफल नहीं होता। ध्यान कभी अच्छा या बुरा भी नहीं होता, क्योंकि वो क्रिया नहीं है। हर एक ध्यान में कोई नई बात हम सीख लेते हैं। तो जैसे आज हमने ये सीखा कि देह मन में है, मन देह में नहीं है। यही निराकार मन देह के आकार को धारण करके उसको सत्य मानने लग जाता है, तब व्यक्तित्व का निर्माण। यही निराकार मन देह के आकार को धारण करे लेकिन उसे सत्य न माने तो हम ध्यानमय जीवन जी रहे हैं। तो देहात्म भाव यह समस्या नहीं है। देहात्म भाव को सत्य मानना ये समस्या है। हाथ पैर की उंगलियां हिला लो, गहरी सांस लो, सबका सब प्रभु चरणों में अर्पण कर दो। और मन पर कोई संस्कार निर्माण न होवे। संस्कार अच्छे बुरे होते हैं, ज्ञान के संस्कार नहीं होते। ज्ञान का प्रकाश होता है। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।